सागर जिले के राहतगढ़ सुरखी क्षेत्र के किसान और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ कांग्रेस पार्टी की समस्त इकाइयों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राहतगढ़ एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अतिवृष्टि व बाढ़ तथा अफलन पीले मोजक बीमारी के कारण लगभग 80% से अधिक फसल खराब हुई है। किसान स्वयं के स्तर पर रवि फसल की बोवनी, बकरनी, खाद बीज आदि की व्यवस्था कर पाने में असमर्थ है। अतः शासन द्वारा किसानों को सस्ते दर पर खाद की बीज की व्यवस्था कराई जाए। सुरखी विधानसभा क्षेत्र के कृषक पिछले वर्ष की बीमा राशि से वंचित है, जो शीघ्र दिलाई जाए। इस वर्ष भी बीमा राशि की समय पर उपलब्धि कराई जाए। छोटे दुकानदार तथा सैलून, हाट ठेला वाले, कपड़े के लघु दुकानदार, चाय, नाश्ता, पानी, गोमठी आदि के दुकानदारों का कोरोना के कारण रोजगार बंद हो गया था, जिससे उनको तथा दैनिक मजदूरों को आजीविका चलाने हेतु 10,000 रुपए माह की राशि प्रदान की जाए। उक्त मांगों को रखते हुए कांग्रेस पार्टी अनुरोध करती है कि इन मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन के संदर्भ में वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और युवक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। आर्थिक हालत कमजोर हो गई है, किसान स्वयं के स्तर पर रबी की बखरनी, बोनी, आज की व्यवस्था कर पाने में असमर्थ है। अतः शासन द्वारा किसानों को सस्ते दर पर खाद बीज की व्यवस्था कराई जाए। सुरखी विधानसभा क्षेत्र के कृषक पिछले वर्ष की बीमा राशि से वंचित है, जो शीघ्र दिलाई जाए। इस वर्ष की बीमा राशि भी समय पर दिलाई जाए। पूर्व गेहूं पर 160 रुपया प्रति क्विंटल और सोयाबीन पर 400 रुपया प्रति क्विंटल बोनस देने की बात मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई थी, जो कि अभी तक किसानों को नहीं मिली है, जो शीघ्र दिलाई जाए। फिर अगली भाग है कि छोटे दुकानदार तथा सैलून वाले, हाथ ठेले वाले, कपड़े के छोटे दुकानदार को दैनिक मजदूरी और आजीविका चलाने हेतु 10,000 रुपया प्रति माह राहत राशि प्रदान की जाए। उक्त समस्याएं व मांग रखते हुए कांग्रेस पार्टी अनुरोध करती है कि इन मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम के लिए मजबूर होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन किस संबंध में दिया गया? आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राहतगढ़ द्वारा किसानों की समस्याएं, जैसे सोयाबीन कुफर हो गए, अधिक वर्षा के कारण गरीब मजदूरों के कुआ एवं मकान ढह गए, एवं जो गरीबों की जो कुटीरें आई थी वो कई कुटीरें निरस्त कर दी गई। झुग्गी झोपड़ी वाले जो मजदूर, गरीब मजदूर थे, उनके घरों में पानी भर गया। पशुओं का जो चारा और क्या नाम से भूसा वगैरह है, ये सड़ चुका है पानी भरने के कारण। ऐसी तमाम मांगों को लेकर हम सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं जिला किसान कांग्रेस कमेटी एवं सभी विभागों के अध्यक्षों द्वारा एक ज्ञापन कल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के नाम पर एसडीएम को दिया गया, जिसमें हम लोगों ने मांग की कि तुरंत सर्वे कराया जाए एवं जो गरीब मजदूरों के जो मकान ढह गए उनको तुरंत मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन में आपने जो मांगे रखी हैं, अगर वे पूरी नहीं की गई तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, मांगे हम लोगों का कर्तव्य होता है विपक्ष के मजबूत नेता होने के कारण कि हम लोग गरीब मजदूर एवं किसानों की मांगे रखें, और यदि मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, पुनः ज्ञापन देंगे एवं भूख हड़ताल पर भी जाने की व्यवस्था हम लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बैठ के की है। और इस क्षेत्र के जो कि राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह जी राजपूत हैं, वो आज उपचुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, सेक्टर मंडलम की बैठकों में लगे हुए हैं। उनका ध्यान या उनकी सरकार का ध्यान किसान, गरीब मजदूरों की तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है, और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत हमारे किसानों की, गरीब मजदूरों की मांगें तुरंत मंजूर करें एवं उनके लिए उचित मुआवजे देने की कृपा करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।